फॉर बॉन्डिंग टू अलग रिप्लेसमेंट विथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी। जो अपन ने रिप्लेसमेंट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रिप्लेसमेंट विथ टाइम एंड इग्नोरिंग वैल्यू ऑफ मनी। अब हम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करेंगे। पहले हमने वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया था, हमने खाली इसको कंसिडर किया था, टाइम को ही कंसिडर किया है। अब हम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास में डिस्काउंट रेट गिवन होगी जिससे तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है इसके आधार पर तुम रिप्लेसमेंट कॉस्ट का पता लगाओगे। देखो एग्जाम्पल गिवन है जिसके आधार पर हम स्टार्ट करते हैं। अ मशीन कॉस्ट ऑफ रुपीज 5000, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर 0 फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 1000 एवरी ईयर। यानी कि एक मशीन की कॉस्ट है 5000 और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए इसने कहा है कि फर्स्ट ईयर में 0 है और अगले साल से हर साल कितनी बढ़ेगी, 1000 बढ़ती रहेगी। इफ मनी इज वर्थ 5% एवरी ईयर, मनी की वर्थ कितनी है 5% एवरी ईयर है, डिटरमाइन दी बेस्ट एज एट विच द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। यानी हमें पता लगाना है कि बेस्ट कौन सी एज में हम मशीन को रिप्लेस्ड करना चाहिए। द रिलीज रिसेल वैल्यू ऑफ मशीन इज नेग्लिजेबल स्मॉल, व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ओइंग एंड ऑपरेटिंग दी मशीन। तुम्हारे पास में डिस्काउंट रेट गिवन है, इसका मतलब तुम्हें वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है। तो डिस्काउंट रेट के लिए मैंने तुम्हें अपन ने एफएम में भी डिस्कस किया हुआ है, डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, जिसे डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं अपन, 1/1+रेट, ये तुम्हारा डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि तुम्हारे पास में कितना है 5% है, तो 1/1.05 तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा। ओके, इसी के आधार पर तुम्हें डिस्काउंट फैक्टर के निकालोगे ईयर के लिए कितना होता है। तो देखो पहले तुम्हें पता लगाना है कि इसकी एज कितनी है। तो यहाँ पर तुम्हें एज दी हुई है 5 ईयर, इसकी एज है मशीन की, तो हमें 5 ईयर तक इसकी वैल्यू को लिखना है। तो ईयर तुम्हारा हो जाएगा, फर्स्ट हम ईयर को पुट करते हैं, ईयर कितना हो गया तुम्हारे पास में 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, ये तुम्हारा ईयर हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर कहा गया है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए हमारा कहा गया फर्स्ट ईयर कितनी है, फर्स्ट ईयर है 0, ये तुम्हारी 0, सेकंड ईयर है 1000, थर्ड ईयर रहेगी 2000, हर साल 1000 बढ़ेगी, फिर 3000 और फिर 4000, ये तुम्हारी होगी मेंटेनेंस कॉस्ट। अगला इसमें क्या है, डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर अपन ने निकाल लिया है 5% है, तो ईयरली के अकॉर्डिंग तुम्हें डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालोगे, 1/1.05 × फिर इक्वल्स टू करते जाओगे तुम कैलकुलेटर में, तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करना है, तुमने 1/1.05 × तो अगले अगले ईयर का तुम्हारा निकलता रहेगा। तो जैसे तुम फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग रेट कुछ भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है वन रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए वन हो जाएगा 0.1। सेकंड ईयर कितनी है 0.952, थर्ड ईयर की हो जाएगी 0.907, 0.8864 और लास्ट ईयर की हो जाएगी 0.823। ये तुम्हारी हो गई डिस्काउंटिंग रेट। कैसे करना है तुम्हें, कैलसी में 1/1.05 × ओके कंप्लीट याद है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डिस्काउंट कॉस्ट निकालनी है। तो डिस्काउंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कॉस्ट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, डिस्काउंट कॉस्ट निकालनी है तुमको। डिस्काउंट कॉस्ट का हमारा, हमें अपनी डिस्काउंट रेट से मेंटेनेंस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्काउंट रेट कॉस्ट कितनी तुम्हारे पास 1 और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है 0, तो यहां पर क्या जाएगा 0.925 ×
1000 तो 952 तुम्हारी क्या रहेगी डिस्काउंट कॉस्ट रहेगी। ओके अगला इसने कहा है कि 2000 × 0.07 यानी तुम्हारे पास कितनी आ गई है 1840 1814 रुपए तुम्हारी क्या आ गई डिस्काउंट कॉस्ट आ गई है। अगला तुम्हारे पास 3000 × 0.864 इट मीन्स तुम्हारे पास में आया 2591। अगला तुम्हारे पास में 4000 × 0.823 इट मीन्स तुम्हारे पास में आया 3291 तुम्हारे पास अगली मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई है। ओके कंप्लीट यहां तक। अब तुम्हें निकालना है इसी का समेशन, समेशन यानी कि इसका सीएफ निकालना है। जो डिस्काउंट कॉस्ट आई थी उसका तुम्हें क्या निकालना है सीएफ निकालनी है। तो सीएफ ऑफ डिस्काउंट कॉस्ट तो यहां पर क्या हो जाएगी तुम्हारी जीरो, यहां पर हो जाएगी 952 प्लस 1814 यानी कि तुम्हारी हो गई है 2766। ओके यहां पर लिखोगे तुम 2766। अगला 2766 प्लस 2591 इट मीन तुम्हारी हो गई है 5358 5357। ओके अगला तुम्हारे पास में क्या है 5357 प्लस 3291 इट मीन तुम्हारी हो जाएगी 8650 8648। ओके ये तुम्हारा क्या हो गया डिस्काउंटेड रेट हो गई है। इसी को तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके अब तुम्हें क्या करना है टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे तुम, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है देखो, टोटल कॉस्ट जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ मशीन थी उसमें तुम्हें इस प्राइस को जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उसमें सीएफ ऑफ डिस्काउंटिंग को ऐड करना है। तो यहां पर कितनी हो गई 5000 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स था, मशीन की कॉस्ट थी 5000 ये 5000 प्लस 952 तो 5952 प्लस 277 यानी कि 7766। अगला 7766 प्लस 5357 प्लस 5000 इट मीन्स 10357 5000 प्लस 8648 इट मीन्स 13648। ओके कंप्लीट यहाँ तक, ये तुम्हारी आ गई टोटल कॉस्ट। अब तुम्हें क्या करना है जो तुम्हारी डिस्काउंट थी जो तुम्हारा डिस्काउंट फैक्टर था उसे तुम्हें समेशन निकालना। तो समेशन क्या कहते हैं सीएफ ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, जो तुम्हारे पास में डिस्काउंट फैक्टर था उसका सीएफ निकालना है। तो डिस्काउंट फैक्टर ये वाला यहां पर कितना है तुम्हारे 1 + 1.952 प्लस 907 तो कितना जाएगा 2.8594। ओके अगला तुम्हारे पास में कितना है 0.864 तो 0.864 करोगे तो 3.72 ओके 3.7232 प्लस 0.823 इट मीन्स कितना हो गया 4.5459 ये तुम्हारे पास में क्या आएगा सीएफ ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर ये वाले यानी थर्ड कॉलम का अपन ने क्या किया सीएफ निकाला। अब एवरेज वेटेड कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारे पास जो
तुम्हारे पास जो टोटल कॉस्ट है इसमें तुम्हें डिस्काउंटिंग फैक्टर के सीएफ से डिवाइड करना है। यानी क्या हो गया तुम्हारे पास में 5000 डिवाइडेड बाय 1, 5952 डिवाइडेड बाय 1.952 1.952 ओके 7767 अपॉन 2.8594 ऐसे तुम्हें क्या करना है डिवाइडेड करते हुए चलना है। तो देखो हमारे पास में फर्स्ट आ जाएगा 5000, अगर मैं 5000 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 5000 रहेगा। सेकंड आ जाएगा 3048 ओके 0.8, अगर तुम्हारे पास में रहेगा 2761.1 अगला तुम्हारे पास में क्या 2782.0 और लास्ट तुम्हारे पास आया है 3002.5 ओके कंप्लीट हो गया। टोटल कॉस्ट में सीएफ ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर को डिवाइडेड किया जिससे तुम्हारे पास नहीं आया। अब तुम्हें देखना है कि एवरेज वेटेड कॉस्ट में सबसे मिनिमम कॉस्ट किस ईयर में आ रही है। तो देखो सबसे मिनिमम कॉस्ट किस ईयर में आ रही है, थर्ड ईयर में। यानी कि तुम्हें इस कंपनी को एडवाइस देना है कि वो क्या करे थर्ड ईयर में इस मशीन को चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, इससे इसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी सुधरा मिलेगी, अच्छी मिलेगी और सही तरीके से वो उसका यूटिलाइज कर पाएगा। तो यानी कि थर्ड ईयर में इसको क्या करना चाहिए, अपनी मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। ओके ये तुम्हारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।